तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दही तड़का की रेसिपी, जो स्पेशली रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है ये रेसिपी। ऑथेंटिक दही तड़का की रेसिपी से थोड़ा सा अलग मैंने ये रेसिपी बनाई है, जो कि इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए हमें एक कप दही चाहिए, और यहाँ पे दही बिल्कुल फ्रेश लेनी है आपको। मेक श्योर कीजिएगा दही खट्टा बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे इसे एक बाउल में ऐड कर देते हैं, और सबसे पहले हम दही को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। तो एक मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे फोक से भी इसे मिला सकते हैं। दही अगर थिक होगा तो टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे मिला लिया है, साइड कर देते हैं इसे। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम किया मैंने। तेल हमारे जैसे ही गरम हो जाएगा, ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। इसके साथ ही यहाँ पे डाला है मैंने 2 हरी मिर्च, इसे बारीक चॉप कर लीजिए। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ पे आधा इंच टुकड़ा अदरक को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब डालेंगे इसमें 10 से 12 कली लहसुन को फाइनली चॉप करके। सारे मसाले पहले से तैयार कर लीजिए, क्योंकि तड़का फटाफट बनता है। एक छोटे साइज़ की प्याज को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड किया मैंने करी पत्ता, 10 से 12 पत्ते ले लीजिए। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब डालेंगे इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग। सब कुछ हमें एक साथ डाल के ही भूनना है। गैस का फ्लेम लो रखिए, और प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है। इतने में सारे मसाले भी भून जाएंगे उसी के साथ। और ये लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गया इन्हें भूनते हुए, और आप देख सकते हैं प्याज का रंग गुलाबी हो गया है। बाकी सारे मसालों का भी कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि किशमिश फूल ना जाए। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ये फ्लफी हो जाएंगे, और जैसे ही किशमिश भून जाए उसके बाद ऐड कीजिए सूखे मसाले, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसके साथ ही जाएगा 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऐड कीजिए नमक स्वाद के अनुसार, मैंने 1/2 छोटी चम्मच ऐड की है। अब मसालों को लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए भून लीजिए, आधे मिनट में ही मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैंने 2 इन्ग्रीडियंट्स ऐसे ऐड किए हैं जो ऑथेंटिक दही तड़का की रेसिपी में ऐड नहीं होते, किशमिश और कसूरी मेथी। तो आप ज़रूर ऐड करके बनाइएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मैं दही ऐड कर देंगे जिसे हमने विस्क करके रखा था, और लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि दही फट जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ऐड कीजिए, या फिर मसाले को हल्का सा ठंडा करके भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैस का फ्लेम लो कर देते हैं तब भी दही नहीं फटता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही बिल्कुल नहीं फटा है, बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर आया है। तो जैसे ही मसाले के साथ मिल जाए, गैस का फ्लेम तुरंत ऑफ कर दीजिए, और इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके। ये दोनों ही तरीक़ों से बहुत अच्छी लगती है। तो इसे रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व कीजिए, फटाफट तैयार हो जाती है। सब्जी नहीं है तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है। तो इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।